क्लास टेंथ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। कुछ मार्बल्स जॉन के पास हैं, कुछ मार्बल्स जीवंती के पास हैं। दोनों के मार्बल्स को अगर टोटल कर दें तो वो 45 के इक्वल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जॉन और जीवंती दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो गए हैं। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हुए हैं ना, उन मार्बल्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें कि जॉन के पास जितने मार्बल्स हैं और जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 124 के इक्वल है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हम पता ये लगाना चाहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। दो करेक्टर है यहाँ पे, एक है जॉन और एक है जीवंती। जॉन के पास कुछ मार्बल्स हैं और जीवंती के पास भी कुछ मार्बल्स हैं। दोनों के मार्बल्स को अगर ऐड कर दें तो उनका जो टोटल है वो 45 के इक्वल है। देखो टोटल 45 मार्बल्स हैं। अब दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं तो जॉन के पास जो मार्बल्स बच जाते हैं ना, जो रह जाते हैं, और जीवंती के पास भी जो मार्बल्स बच जाते हैं, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो 124 के इक्वल है। और स्टार्टिंग में उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे वो हमने पता लगाना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। स्टार्टिंग के अंदर जॉन के पास कितने मार्बल्स थे हमें क्या पता, तो मान लेते हैं एक्स। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन बी एक्स। स्टार्टिंग के अंदर जॉन के पास जो मार्बल्स है ना वो हमने एक्स मान लिया। देन नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती विल बी इक्वल टू 45 - x। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 - x मार्बल्स होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ना कि टोटल 45 है। अब 45 में से एक्स अगर जॉन के हैं तो बाकी का जो बचा हुआ होगा, बाकी के जो बचा हुआ है वही है 45 - x। इतने मार्बल्स फिर जीवंती के होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था ना कि दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं, तभी हमने भी लिखा है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। जब दोनों के 5-5 मार्बल्स कम हो जाते हैं फिर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन वो रह जाएगा x - 5। स्टार्टिंग में जॉन के पास x मार्बल्स थे, इसके 5 मार्बल्स गुम हो गए तो 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अब उसके पास कितने मार्बल्स रह गए हैं, x - 5। और जीवंती के पास स्टार्टिंग में थे 45 - x, तो ये 45 - x इसमें से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। ये 45 में से ये वाला 5 माइनस हो जाएगा तो ये 40 - x। इतने मार्बल्स अब रह गए हैं जीवंती के पास। इतना क्लियर हो गया। स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, एक्स, और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे, 45 - x। अब दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो गए हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स में से 5-5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 मार्बल्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जॉन के पास अब इतने मार्बल्स रह गए हैं x - 5, और जीवंती के पास रह गए हैं ये 40 - x। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 124 के इक्वल है। तो ये जो जॉन के मार्बल्स है ना x - 5, और जीवंती के पास इतने रह गए हैं 40 - x, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसे 124 के इक्वल पुट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 मल्टीप्लाई बाय 40 - x इज इक्वल टू 124। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, इक्वेशन बना ली थी, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करनी है, पहले x से आप इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 40 को भी और -x को भी, फिर -5 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट्स ओपन करके आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब अगले स्टेप में चीजों को ना स्कैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। पहले स्क्वायर वाले टर्म होने चाहिए, उसके बाद एक्स वाले टर्म होने चाहिए, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसे लास्ट में लिखना होता है। तो जो माइनस का ये एक्स स्क्वायर है ना, इस टर्म को आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ये वाला 40x और ये वाला 5x दोनों ऐड होके 45x बन जाता है।
ये माइनस 200 का माइनस 200 और ये 124 इस तरफ आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का 124 बन जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर 45x का 45x और इन दोनों को ऐड करके माइनस 324 बन गया। ये जो फर्स्ट टर्म है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो आप पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 45x प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस 324 ये प्लस का 324 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले टेक्निक को यूज़ करेंगे। देखो जो मिडिल टर्म है उसमें x का जो कोफिशियंट है वो माइनस 45 है ना, x वाले टर्म के आगे जो नंबर लिखा होता है वो माइनस 45 है ना। तो आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 45 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 45 आना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वन है। तो 324 को वन से मल्टीप्लाई करो तो 324 ही आएगा। तो दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करके माइनस 45 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए। ऐड करने के बाद वही आना चाहिए जो कि बीच वाले टर्म का, जो मिडिल टर्म का कोफिशियंट होता है, और मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए जो इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करके आता है। अब आपको सपना थोड़ी आएगा कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो 324 है ना, 324 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने स्टार्ट करनी है। ये पहले 2 से डिवाइड करो 162 आता है, फिर 2 से डिवाइड करो 81, फिर 3 से, ये तो आप कर ही लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो दो बार 2 आ रहा है और 1 2 3 4 फोर टाइम्स 3 आ रहा है। तो दो बार 2 आ रहा है और 1 2 3 4 फोर टाइम्स 3 आ रहा है। अब इन चारों नंबर्स को कंबाइन कर दो, 2 × 2 × 3 × 3, इन चारों को मल्टीप्लाई करके 36 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आता है। तो 36 और 9 ये हमारे नंबर्स आ गए हैं, और इनके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस 36 और माइनस 9। देखो अब इन दोनों को ऐड करो तो माइनस 45 बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 324 बनेगा। तो माइनस 36 और माइनस 9 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये सारा काम आपने रफ में करना है। जो फेर होगा उसके अंदर आपने बस ये लिखना है, रफ के अंदर लाइन लगा के रफ वाले बॉक्स में आपने ये सारा कैलकुलेशन करनी है। नंबर्स मिल गए, माइनस 36 और माइनस 9 है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस 45x को अगले स्टेप में ब्रेक करके आप लिखोगे माइनस 36x माइनस 9x, और ये 324 का 324 एज इट इज। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से आपने x कॉमन लेना है, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक एक्स बचेगा, और माइनस 36x में से x आपने कॉमन ले लिया तो माइनस का 36 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से माइनस 9 कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी x माइनस 36 है, यहाँ पर भी x माइनस 36 है, तो अगले स्टेप में आपने x माइनस 36 दोबारा से कॉमन लेना है। ये x माइनस 36 तो कॉमन ही ले लिया, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 9 बचेगा, तो x माइनस 9 ये सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। अब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो या तो फर्स्ट टर्म जीरो के इक्वल होगी या फिर सेकंड टर्म जीरो के इक्वल होगी। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म्स को आपने अलग अलग से जीरो के इक्वल पुट करना है। तो लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे। अब देखो इधर x माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से माइनस 36 को इस तरह भेजो, x की वैल्यू 36 आ जाती है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू 36 आ रही है तो इसका मतलब जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं। तो फिर जीवंती के पास होंगे 45 माइनस 36 मतलब 9 मार्बल्स। तो अगर जॉन के पास 36 हैं तो फिर जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। केस टू, यहां से माइनस 9 इस तरफ गया था तो एक्स की वैल्यू 9 आ जाती है। अगर एक्स की वैल्यू 9 आ रही है तो इसका मतलब है कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं, तो फिर जीवंती के पास 45 माइनस x मतलब 45 माइनस 9, उसके पास 36 मार्बल्स होंगे। तो 9 और 36 ये हमारा आंसर है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 होंगे, और अगर जॉन के पास 36 हैं तो फिर जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। मतलब दोनों में से एक प्लेयर के पास 9 मार्बल्स हैं और एक प्लेयर के पास 36 मार्बल्स हैं। तो दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक ना कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पे बच्चों के खेलने के लिए टॉयज बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब देखो, वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए टॉयज बनाए जाते हैं, तो टॉयज को बनाने में कुछ ना कुछ खर्चा आएगा ना, तो टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। अब एक दिन जितने भी टॉयज बने थे, उन सारे टॉयज को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई थी, जो टोटल खर्चा आया था, वो रुपीज 750 था। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब हमने पता ही लगाना है कि उस दिन एग्जैक्टली कितने टॉयज बनाए गए थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक ना कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पर बच्चों के खेलने के लिए टॉयज बनाए जाते हैं। अब टॉय अगर बनाए जाएंगे तो टॉय को बनाने की कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी ना, वो मैं क्वेश्चन में दे रखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ये कंडीशन हमें दे रखी है। और फिर ये बताया हुआ है कि एक दिन जितने भी टॉयज बनाए गए थे, उन सारे के सारे टॉयज को बनाने की जो टोटल कॉस्ट थी, वो 750 रुपीज थी। और हमने पता लगाना है कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे, कितने टॉयज बनाए गए थे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि उस दिन कितने टॉयज बने थे। अरे तो हमें क्या पता कितने टॉयज बने थे, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स। तो आप अपने आंसर में लिखोगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। उस दिन कितने टॉयज बनाए गए थे, वो हमने एक्स मान लिया। अब टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, उससे रिलेटेड कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ टॉयज को हमने एक्स माना हुआ है, तो 55 माइनस एक्स, ये हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है ना, उसके हिसाब से हमने बना लिया। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, कॉस्ट of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced। तो हमने भी लिख दिया cost of production of each toy is equal to 55 minus number of toys produced। number of toys x है, इसलिए हमने 55 minus x लिख दिया। इतना क्लियर हुआ? अब आपको ये याद है ये 750 क्या दे रखा था? ये जो 750 है वो टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी ना, एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, उसे कितने टॉयज बनाए गए हैं, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये होगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। कितने टॉयज बनाए गए हैं, उसे मल्टीप्लाई करना है एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है उसके साथ। एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, जब आप उससे नंबर ऑफ टॉयज, कितने टॉयज बनाए गए हैं, उससे मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 750, तो टोटल कॉस्ट की जगह पे हमने लिख दिया 750। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितने टॉयज बनाए गए हैं, वो तो हमने एक्स माना है ना, तो नंबर ऑफ टॉयज की जगह पे आप एक्स को लिखोगे। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय की, वो हमने 55 माइनस एक्स निकाला हुआ है, तो इसकी जगह पे आपने ये वाला 55 माइनस एक्स लिख देना है। तो ये बन जाता है 750 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए थे 750 इज इक्वल टू एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ये ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 55x आ जाएगा, और एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना है। ये माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये 55x प्लस का है ना, इसे उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 55x हो जाएगा, और ये 750 का 750 एज इट इज। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले टेक्निक को यूज करेंगे। जो बीच वाली टर्म है, जो मिडिल टर्म है, उसमें एक्स का जो कोफिशियंट है वो -55 है ना, तो आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -55 आना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -55 आना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो 750 है, उसे एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, 750 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 750। तो आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 750 आना चाहिए और रैड करने के बाद -55 आना चाहिए। अब आपको सपना थोड़ी आएगा कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करके -55 आता है और मल्टीप्लाई करके 750 आता है। तो ये जो 750 है ना, इसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने स्टार्ट करनी है। पहले 2 से डिवाइड करोगे 375 आता है, 3 से डिवाइड करके 125, 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। तो एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, और 1, 2, 3, 3 टाइम्स 5 आ रहा है, एक बार 2, एक बार 3, और फिर 3 टाइम्स 5 आ रहा है। ये पहले 3 नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं, लास्ट वाले 2 नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 30 आ जाता है। तो 30 और 25 इन दोनों नंबर से बात बन जाएगी, माइनस साइन लगा देते हैं ताकि माइनस वाले कंडीशंस पे फुलफिल हो जाए। तो -30 और -25, देखो इन दोनों को ऐड करके -55 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 750 आ जाता है। तो ये हमें दोनों नंबर्स मिल गए जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, -30 और -25। ये सारा काम आपने रफ में करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे, फिर आप ये सारा रफ में करोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे -30 और -25। तो ये अगले स्टेप में जो मिडिल टर्म है ना, उसे आप स्प्लिट कर देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये -55x को ब्रेक कर दिया, -30x -25x ऐसे लिखोगे, और ये 750 का 750 एज इट इज। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके x -30 बचता है, और जो लास्ट वाले टू टर्म्स है ना, इन दोनों में से -25 कॉमन आ रहा है, -25 कॉमन लेके यहां पर भी x -30 रह जाएगा। देखो x -30 यहां पर भी है, x -30 यहां पर भी है, तो अगले स्टेप में आपने x -30 कॉमन ले लेना है। ये x -30 आप कॉमन लोगे तो यहां से x और यहां से -25 बचेगा, उसे अगले ब्रैकेट में लिख देना है। अब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, तो या तो फर्स्ट टर्म जीरो के इक्वल होगी या फिर सेकेंड टर्म जीरो के इक्वल होगी। तो अगले स्टेप में इन दोनों को अलग अलग से आपने जीरो के इक्वल पुट करना है। तो इधर x -30 इज इक्वल टू 0 और x -25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 30 आ जाती है और यहां से x की वैल्यू 25 आ जाती है, यही हमने निकालना था। तो या तो उस दिन 30 टॉयज बनाए गए होंगे और या फिर उस दिन जो नंबर ऑफ टॉयज है वो 25 होगा, 25 टॉयज बनाए गए होंगे। तो 30 और 25, दिस इज द आंसर।